दोस्तों, आज मैं आपको एड नाउ वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वेबसाइट से कैसे कैसे इनकम होती है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस वेबसाइट से मैंने अभी तक 7,132 डॉलर की कमाई कर ली है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में तो ये लगभग 4,91,325 बैठेगा। ठीक है, आप इसको पूरा 5 लाख मान के चलो, क्योंकि मेरे को इस वेबसाइट से रेफरल इनकम आ रही है जो कि 10% है। ये मेरी रेफरल इनकम अभी पेंडिंग है। बैलेंस ये देख सकते हो आप, 31.4 डॉलर। ये रात 12 बजे तक लगभग 32 डॉलर हो जाएगा। मैं ये वीडियो स्पेशली रेफरल इनकम के लिए ही बना रहा हूँ। इसमें मेरी पर्सनल इनकम, ये सारी पर्सनल इनकम है मेरी 7,132 डॉलर, और इसमें कुछ थोड़ी बहुत रेफरल इनकम भी है, मिक्स है इसके अंदर। ठीक है ना, अभी ये पेंडिंग डॉलर पड़े हैं जो मेरे रेफरल के हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मेरा रेफरल लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे, साइन अप करोगे, तो मेरे इस लिंक पे क्लिक करके ही करना। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी जो है हमेशा आपको 10% इनकम प्रोवाइड करेगी रेफरल के थ्रू। ठीक है, जब आप मेरे इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे मुझे 10% हमेशा इनकम मिलेगी, जो कंपनी अपनी तरफ से देगी, आपकी इनकम में से नहीं काटेगी। जब तक आप काम करोगे, जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से मुझे 10% 10% मिलता चला जाएगा। ये लिंक मैंने जो है अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ इसी लिंक पे क्लिक करके ही करना, वरना मुझे आपसे 10% का जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं और भी बहुत सारे वीडियोस इस वेबसाइट पर बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये रेफरल लिंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लोग मेरे इस लिंक से रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरी पर्सनल इनकम मैं आपको बता रहा हूँ 7,132 डॉलर, इसमें थोड़ी बहुत रेफरल की भी है। इसमें जो रेफरल की इनकम है मेरी, शायद 25 या 30 डॉलर ही पड़ी होगी। ठीक है ना, वो और बाकी मेरी ये यहाँ पे है। पहले मैं लोगों को रेफर करता नहीं था, मैं पहले पर्सनल इनकम करता था। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि मैं इसमें कब से काम कर रहा हूँ, मुझे कितना कितना यहाँ पे डॉलर मिला है। मैं 2017 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, 2017 में इस मंथ में मेरे को तीसरे महीने में, यानी कि मार्च, 6 मार्च से मैंने काम करना शुरू किया, तो 478 डॉलर मेरे को आए। फिर 418 डॉलर, 604, 388, 594, 403, ये डॉलर मेरे को मिलते रहे। ये डॉलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाती है कंपनी, लेकिन सारे डॉलर्स में हैं। ठीक है, ये आते रहे आते रहे आते रहे, 601 डॉलर ये मेरे को मिलते रहे। अब आप देखते रहिए, 2017 चल रहा है अभी, ये करते 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 मैंने 2018 में भी काम किया। ठीक है, इसके बीच में मैं और भी काम करता था, इसीलिए आपको इसमें मेरी कम इनकम कहीं कहीं पे शो होगी, कहीं कहीं पे नहीं होगी। अब आप देख सकते हो, सारी पेड स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, ये सब पेड दिखा रहा है, पेड 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 पेड, ये सारी इनकम मेरे को पेड हो चुकी है। ये ऑटोमेटिकली पेड होती है, ऑटोमेटिकली पे आउट। ठीक है, मैंने कुछ बैंक वायर के थ्रू लिए और कुछ पे कुछ पे क्या नाम है पेपाल पे भी लिए। पेटीएम का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, पेपाल का ऑप्शन है और बैंक वायर का ऑप्शन है और भी 2-3 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, 2018, ठीक है, अब हम आ जाते हैं और आगे। 2018 चल रहा है अभी, 2018 18 18 18 18, अब ये आ गया 2019, क्योंकि मैंने, अब आप देख सकते हो इसमें ये मेरे को 20 डॉलर 52 डॉलर, जैसे जैसे मैं काम करता चला गया, मेरे ट्रैफिक के हिसाब से मेरे को इनकम आती चली गई। ठीक है, पहले इनकम ज़्यादा थी, बाद में इनकम कम हो गई क्योंकि ट्रैफिक कम हो गया। जितना ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से आपको इनकम बनेगी। ठीक है, ये आते 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 ये जो लास्ट पेमेंट मेरे को आई है ना, ये 20.52 डॉलर, ये मेरे को रेफरल मेरे को पेड हुई है। ठीक है, ये देखो, अब ये 20.52 डॉलर जो मेरे को पेड हुई है उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये लगे कि मैं कहीं फेक बता रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, अच्छा, मुझे लगा वो लॉग आउट हो गया। हाँ, तो ये देख सकते हो आप, पेपाल पे मेरे को ये मिली थी इनकम। ये देखो कहाँ चली गई, हाँ, 20.52 डॉलर। ठीक है, ये देखो आप, 20.52 डॉलर मेरे को मिली और उसमें 1.42 का जो है फीस चार्ज लगा, तो ये 19.10 बची। ठीक है, ये 24 मई को मेरे को रिसीव हुई। ये देख सकते हैं आप, adnow.com लिखा हुआ है, इस कंपनी ने मेरे को भेजी है इनकम। ठीक है, और ये मेरे को 25 मई को रिसीव हुई मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, 19.10 डॉलर के हिसाब से 1,286 रुपये मेरे को मिल गए, और ये 67 USD के हिसाब से इसने कन्वर्ट
कन्वर्जन लगाया है उसके हिसाब से इसने मेरे को पे किया है, ठीक है। अब मैंने आपको पेपाल का भी रिजल्ट दिखा दिया है। अच्छा, इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पर्सनल इनकम के बारे में बताया, ये मेरी पर्सनल इनकम थी सारी $7,132, जिसमें थोड़ी बहुत मेरी रेफरल इनकम भी है, ठीक है। पहले मैं पर्सनल इनकम ही करता था, लेकिन अब मैं रेफरल इनकम भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो बंदा है ना, ये आईडी वाला बंदा सबसे ज़्यादा काम करता मेरे लिए, तो इसीलिए मेरे को इससे अभी तक $64 से भी ज़्यादा मिल गए। रात 12 बजे तक ये $65 या $66 हो जाएंगे, क्योंकि ये रेगुलरली काम कर रहा है। ये 0.48 वाला जो है, ये न्यू रजिस्टर्ड है, इसीलिए शायद इसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा, इसीलिए इससे मेरे को अभी सिर्फ 48 सेंट ही मिले हैं। ये बाकी जो चार बंदे बचे हैं, इसमें से क्या हो सकता है, या तो कोई बंदा काम कर रहा है, या किसी को कुछ पता नहीं होगा, या किसने ऐसे रजिस्टर करके छोड़ दिया होगा, या फिर अभी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। जैसे ये लोग काम करना शुरू करते हैं, तुरंत हमें इनका रेफरल इनकम नहीं मिलता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं वेबसाइट पे। जैसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मेरे रेफरल रेफरल वाले लिंक पे क्लिक करके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के बाद ये बोलेगा अपनी वेबसाइट को ऐड करो। यहाँ से आप वेबसाइट को ऐड करोगे, ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने इतने सारे डोमेन नेम ऐड किए हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने सबसे ज़्यादा सब डोमेन्स को ऐड किया हुआ है, ब्लॉगस्पॉट, और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी वही है ब्लॉगस्पॉट। ऐसा नहीं है कि जो मेन डोमेन है, जैसे कि ये हो गया astrologyinhindi.xyz या falana-falana.com, falana-falana.in, falana-falana.xyz, वो एक्चुअली वो सब पेड होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ब्लॉगस्पॉट पे जाके बनाओ, फ्री ब्लॉग बनाओ, और अनलिमिटेड आप ट्रैफिक वहाँ सेंड कर सकते हो, ब्लॉगस्पॉट आपको बंद नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि फ्री की होस्टिंग और फ्री का डोमेन नेम लो ब्लॉगस्पॉट से जाके। मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लॉगस्पॉट पे जब आप जाओगे, ये होता है ब्लॉगस्पॉट, ब्लॉगर पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पे क्लिक करके अपना फ्री का ब्लॉग बना लेना, और ये फ्री की होस्टिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इस पर करना काम, ठीक है, इस पर काम करना। आपको जो है डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ये जब आप रजिस्टर करोगे तो ये मॉडरेट करेगा, इसके जो मॉडरेटर होते हैं वो मॉडरेट करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप मॉडरेटर, ये रिजेक्टेड लिखा हुआ है। ये पता है क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इस पे ट्रैफिक कम सेंड किया था। जब आप रजिस्टर करोगे ना, तो इसमें 1000 यूज़र्स दिखाएगा कि पर डे आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो जब वो दिखाएगा कि पर डे आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, एक दिन का मिनिमम 1000 होना चाहिए और मैक्सिमम 1,00,000 तक वो दिखाता है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है 1000 आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप 1000 सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही वेबसाइट में ऐड कोड डालना, ठीक है ना। वेबसाइट में ऐड कोड डालने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी तक इसमें इतना ही मेरे को बताना था। तो पर्सनल इनकम के बारे में बता चुका हूँ, जो मेरे को सारी पेड हो चुकी है। ये देख सकते हो आप, पेपाल यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, मेथड जो है पेमेंट मेथड मैंने पेपाल का ऐड किया हुआ है। इससे पहले मैंने बैंक वायर को ऐड किया हुआ था, ठीक है ना। अभी पेपाल लगा दिया क्योंकि इनकम कम हो गई है पहले से, मतलब कम आ रही है, क्योंकि मैं अभी इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और दूसरी साइटों पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को रेफरल इनकम आ रही है, ये स्पेशल वीडियो मैं रेफरल के लिए बना रहा हूँ। रेफर करते चले जाओ, 10% इनकम पाते जाओ। तो मैं तो लोगों को रेफर कर रहा हूँ, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। और पर्सनल इनकम करोगे तो देखो, पर्सनल इनकम के बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। स्टेटिस्टिक्स में जाना, यहाँ पे कितना मिलता है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये व्यूज़ देख रहे हो आप, अगर आपका यहाँ पे 1000 व्यूज़ होगा और 100 क्लिक आएगा, तो CTR बनेगा आपका 10%, ठीक है। ECPM मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल इनकम गॉट फ्रॉम द सेलेक्टेड साइट इन द रिपोर्ट डेट फॉर एवरी 1000 इम्प्रेशन ऑफ द एड यूनिट, ठीक है। 1000 इम्प्रेशन का आपको $1 मिलेगा, जब कब मिलेगा, जब आपका ECPM जो है, ये जो ECPM है यहाँ पे $1 दिखाएगा, तो 1000 व्यूज़ का आपको $1 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 में अगर 10 क्लिक पड़े तो 1 CTR दिखाएगा, 100 क्लिक पड़े तो 10% की CTR दिखाएगा, ये इस हिसाब से मिलता है। यानी कि यहाँ पे मेरे को ECPM $5 का भी मिला है, यानी कि 1000 पे $5 भी मेरे को मिले हैं।
मिनिमम आपको यहाँ पे $1 तो मिलेगा ही मिलेगा। और पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है यहाँ पे काम करने का, यहाँ पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो एड यूनिट मिलेगी ना, मैं आपको एड यूनिट में ले चलता हूँ, विजिट्स में जाएंगे हम लोग। जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो ऐड यूनिट प्लेस करने के लिए बोलेगा, ठीक है। मैं आपको ऐड यूनिट दिखा देता हूँ किसी एक वेबसाइट में से निकाल के। इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। जब आप विजिट्स टाइप में जाओगे तो यहाँ पे आपको पीसी और मोबाइल दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऑप्शन, ठीक है ना। पीसी और मोबाइल दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद विजिट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे नाम दे देना, कोई भी एक नाम, ठीक है ना। इसमें ये बोलता है कि शो एड्स विद इरोटिक इमेजेस, इसको सेलेक्ट करके रखना। ये जो इरोटिक इमेजेस है ना, ये थोड़ी सी मतलब सिंगल एक्स टाइप जो है इमेजेस आती है, जैसे ब्रा पैंटी टाइप, मतलब ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो इसको ज़रूर रखना, इससे सबसे ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन आ गया आपका शॉकिंग इमेजेस, ये भी रखना। शॉकिंग में कुछ जब आप देखोगे अपना आप खुद समझ जाओगे रख के, ठीक है ना। एनिमेटेड में एनिमेटेड आता है, ये तीनों सेलेक्ट करके रखना, ठीक है ना। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसका मतलब मैं बता देता हूँ। ये जो चौथा ऑप्शन है, इससे क्या होता है, ये जो इमेज है ना, ये अगर आप इसको सेलेक्ट करके रख लोगे तो ये इमेज का साइज़ इतना ही रहेगा। अगर आपको इमेज का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो इसको अनसेलेक्ट करना, अनचेक करना, इमेज में जाना और यहाँ पे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे ये हो गया, आप 50x50 करोगे तो ये छोटे 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 बहुत सारी इमेज आ जाएगी। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, आप ये इस वाले ऑप्शन को अनचेक करके रखना, ये चौथे वाले को एडेप्टिव ब्लॉक, ठीक है ना, इसको अनचेक करके रखना। तो यहाँ से अपने इमेज का साइज़ जो है छोटा कर लेना, 50x50। मैं हमेशा ये रखता हूँ, इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एड यूनिट ज़्यादा मिलती है और यहाँ अलग अलग प्रकार की एड शो हो जाती है, इरोटिक भी हो जाती है, शॉकिंग भी हो जाती है और एनिमेटेड भी हो जाती है। इससे नंबर ऑफ़ क्लिक बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो CTR आपकी 10% 15% तक भी चली जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% भी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी 20-20% भी CTR गई है। 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। वैसे वो होगी भी नहीं, वो 15% भी नहीं जाएगी, 10-12 से ज़्यादा जाती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्लिक पड़ेंगे तो ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको छोड़ देना और ये भी छोड़ देना, ठीक है ना। और हाँ, ये रो है, ठीक है, रो आपको इनमें 8 रखनी है, एंड में भी 8 रखनी है, ठीक है ना। कम ज़्यादा करोगे जैसे ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ से सिंगल हो जाएगा, ऐसे ऐसे है ये, आप इसको 8 कर सकते हो, यहाँ से भी 8 कर सकते हो। मैं ये हमेशा सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, ये सब करके, ये सारी सेटिंग करके आप इसको सेव कर लेना। जब सेव कर लोगे तो HTML कोड दिखाएगा। सबसे पहले आपको ये वाला कोड ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करना, कॉपी करना, पेस्ट करना बिना स्पेस दिए, फिर ये वाला कॉपी करना, ओके करना, फिर इसको पेस्ट कर देना। इसके बाद बिना स्पेस दिए ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है पुट दिस पार्ट ऑफ द कोड इन स्पेस वेयर द ब्लॉक इज सपोज टू बी डिस्प्लेड, ठीक है, जहाँ पे दिखाने लायक हो वहाँ पे रखना, विदाउट एनी स्पेस। पुट दिस पार्ट ऑफ द कोड एट द एंड ऑफ HTML डॉक टू अवॉइड डिले वाइल योर मेन कंटेंट इज बीइंग लोडेड, ठीक है ना। जब आप ये वाला कॉपी पेस्ट कर दोगे तो इस वाले को इसके साथ ही शुरू करना है, पेस्ट करना है, बिना किसी स्पेस के, स्पेस मत दे देना। अगर सिंगल स्पेस भी दे दिया तो ये शो नहीं होगी ऐड, ठीक है ना, ऐड शो नहीं होगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ दोगे काम को। तो ये आपको मैंने विजिट का बता दिया है, विजिट कोड्स का, स्टेटिस्टिक्स का ही बता दिया है, साइट्स का ही बता दिया है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टिकट रेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को ये जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे हर टाइप की टिकट को सबमिट किया हुआ है, आप देख सकते हो 37 टिकट मैंने यहाँ पे रेज की हुई है, हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो ये मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले गए, ठीक है ना। मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इस वेबसाइट से। और हाँ, ये जो पेमेंट है, इनका पेमेंट का रहता है, अगर आप पेपाल ऐड करते हो जैसा मैंने ऐड किया हुआ है, तो वीकली इनका पेमेंट होता है, ठीक है ना, वीकली होता है मिनिमम। कभी कभी ये 15 दिन भी लगा देते हैं पेपाल में। और अगर आप बैंक वायर सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपका मंथली रहता है, मंथली रहता है, कभी कभी 1.25 मंथ भी लगा देते हैं, लेकिन पेमेंट दे देते हैं, ऐसा नहीं कि रोक लेते हैं, रोकते नहीं हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रह सकती है, लेकिन देते ही देते हैं, 101% आपको पेमेंट आएगी ही आएगी, ठीक है ना। मैं पिछले ये मैं 2017 से इसके लिए काम कर रहा हूँ, 17-18, और अब 19 लग चुका है, ठीक है। तो आप मेरे से इसके बारे में अच्छे से पता कर सकते हो,
क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है ना, सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मेरा रेफरल लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसी पे क्लिक करके आप इस पे रजिस्टर करना, वरना मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। देखो जैसे आप पहले देख रहे थे 31.4 यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी 31.5 शो हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 0.1 बढ़ चुका है, यानी कि जो रेफरल वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और जिनसे मेरे को रेफरल इनकम आ रही है, लोगों को रेफर करते चले जाओ और 10% की इनकम पाते चले जाओ। सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये, सबसे बढ़िया प्रोग्राम है ये, और इससे बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और भी वीडियोस मैं आपको बना बना के देता रहूँगा जहाँ से आपको रेफरल इनकम मिलेगी, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।